नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बड़ा कुआकेड़ा गांव में पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 12:30 बजे के आसपास, जाल का इंचार्ज के पास। वहाँ पे जो जमीन की पेड़ काटने के लिए दीवार के लेके दो लोग पड़ोसी के बीच में लड़ाई हुआ था, उसके लेके तो मौके पर पुलिस पहुँचने में पता चला है वहाँ पे जो आरोपी है उसने अपना लाइसेंसी वेपन से गोली चलाया। उस पर जो पीड़ित है, जो मजरूम है, उनके 4 लोग का चोट लगी है। उस पर तो एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, वो अस्पताल में घोषित हुआ है और बाकी 3 लोग इलाज हो रही है। बाकी 3 का कंडीशन ठीक लग रहा है, अभी स्टेबल है, कोई क्रिटिकल नहीं, आउट ऑफ डेंजर कर रहा है हॉस्पिटल में। फिर भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो 2 लोग उनका जो मृतक का पापा और मम्मी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हो रही है और दूसरा और एक उसका भाई है, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उनके भी हायर सेंटर रेफर कर सकते हैं। और बाकी जो आरोपी है, जो किसने गोली चलाई, जो वादी ने बताया, उसका नाम भूपेंद्र है, उसको पुलिस ने तुरंत हिरासत में लेकर गिरफ्तारी कर ली है और एक दूसरा का भी गिरफ्तारी कर ली है। बाकी 2 लोग उन्होंने नामजद कर उसको भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और टीम गठित करके उसको आगे कानूनी कार्रवाई करेगी। ऐसा पीड़ित का आरोप यह है कि जब 19 तारीख में उन्हें शिकायत की थी पेड़ों को लेकर के, पुलिस ने कोई अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं की और एक मौत हो गई और 3 लोग घायल पड़े, तो कहीं पुलिस की लापरवाही है इसमें? नहीं, इसी के हमने जाँच कराएंगे, जो इसका अडिशनल एसपी लेवल पर अधिकारी से उसकी जांच करेंगे, कब शिकायत हुई, पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई किया, उसके बारे में जांच करेंगे। इसमें पुलिस में कोई किसी की कोई लापरवाही है जाता है, उसको आगे जांच के बाद उसको दोषी की तरफ कार्रवाई भी करेंगे। वर्तमान में अभी पुलिस ने तो कर है, जो पुलिस मौके पर जाके मौका मुआयना किया था दोनों पार्टी का और जो जमीनी विवाद को लेकर और बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी जॉइंट है, उसमें निस्तारण करने के लिए उन्होंने टीम वगैरह तैयारी किया है। साथ साथ 116 भी उन्होंने नोटिस दिया है और फिर भी कोई लापरवाही बनती है पुलिस का भी कार्रवाई होगी, उसको हम देखेंगे। कुछ जानकारी मिली है कि जो आरोपी पकड़ा गया उसके पास अवैध हथियार और बड़ी संख्या में मिले हैं? नहीं, अभी इस तरह की कोई चीज़ हम क्लियर नहीं कर सकते। अभी तो आरोपी पकड़ा है, उनके घर पर तलाश लिया है, अभी इस तरह कोई चीज़ नहीं है हम लोग के सामने। बाकी रात में पूछताछ होगी, इंटरव्यूशन, उसके बाद और कुछ चीज़ मिलेगी तो आगे आपका बताएंगे। अच्छा, फायरिंग अगर बात पुरानी बंदूक मिलने की बात कही जा रही है कि जिन पर जंग लगा हुआ है? नहीं, अभी नहीं। अगर फायरिंग की बात की जाए तो कितने लोगों ने टोटल गोली चलाई है? नहीं, तो अभी हम पूछताछ करेंगे, पता चलेगी। इनका तो कहना है 2 लोग का है, फिर भी हम पूछताछ वगैरह से पता चलेगी। बाकी जो एविडेंस से घटना का स्थल पर उसका आधार पर हम आगे बताएंगे। लगभग कितने राउंड गोली चली होगी? नहीं, वो तो अभी तो गोली तो हम लोग का अभी तक तो 1-2 का अभी तो पता चल रहा है, बाकी तो हम अभी पूछताछ में पता चलेगी। वो मौके पर कोई कोका वगैरह नहीं मिला, इसलिए हम लोग राउंड्स का नहीं कह सकते। बाकी वहाँ पर इंजुरी है उसके आधार पर, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हम आगे बताएंगे। थैंक यू।